हाथ लगा सकता हूँ ना? ले ले दे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ कमलापुर। कमलापुर कहाँ है? कमलापुर गढ़चुले के अंदर है और यहाँ पर देखने को मिलता है हत्या। गढ़चुले जिले में इतने सारे हत्या एक जगह कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। क्या कुछ सीन है वहाँ पर जाकर दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे क्या जाना है क्या कुछ है। और दूसरी बात, मैं 10 बजे क्यों जा रहा हूँ, वो बात ऐसी है कि भाई वो है नक्सलाइट एरिया, तो मुझे सुबह जाने में थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं 10 बजे जा रहा हूँ। और थोड़ा सा डर भी है थोड़ा सा ये भी है, लेकिन अगर सुबह जाता था तो सुबह का व्यू काफ़ी अच्छा रहता था, लेकिन अभी भी जा रहा हूँ तो व्यू अच्छा ही मिलेगा, तो जाके देखते जो। तो यहाँ से करीब अभी भी 1 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है, मतलब 42 किलोमीटर अभी भी है। 40 किलोमीटर हमें राइड करना है, सीधा जाना है, क्योंकि अभी रुक नहीं सकते, टाइम भी बहुत हो चुका है, टाइम और हो चुका है। मुझे एक्चुअली 9 बजे निकलना चाहिए था, 9 बजे निकलने से एटलीस्ट 10 बजे पहुँच जाता, 10-11 बजे तो भी, 10:30 बजे तो भी, तो वो सही टाइम था, बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। अभी सुबह के करीब 11 बज रहे हैं, मतलब 11 बज रहे हैं, और 11 बजे में मतलब वहाँ पे पहुँचूँगा 12 बजे। और शायद मैं जैसे नेट पे देखा हूँ, नेट के हिसाब से अगर देखूँ तो 11 से 1 बजे तक उनका रहता है, वो लोग वहाँ पर रहते हैं, और उनके बाद फिर से वो जंगल के अंदर चले जाते हैं। और वो सुबह भी ऐसा होता है कि सुबह आते हैं वहाँ पर करीब 10-11 बजे, और वहाँ पर नहाना वगैरह खाना वीना उनको दे देते हैं, और उसके बाद फिर से 1 बजे वो लेके जाते हैं। तो हमने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है, अभी 15 मिनट बता रहा है, और यहाँ से लेना है मेरे लेफ्ट, तो ये सिरोंचा 65 कमलापुर 3 किलोमीटर छल्लेवाड़ा 7 और हत्ती कैंप। तो यहाँ से ये है रेनमपल्ली गांव, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। ओके, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, और यहाँ पे ऑटो भी वगैरह है, तो शायद अगर किसी को जाना है यहाँ से ऑटो से, मतलब कोई अगर बस से आता है तो आप शायद यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि ऑटो तो लगा है, अगर आप बोलोगे 3 किलोमीटर आराम से वो लोग छोड़ देंगे। कोई बुलाया का भाई? नहीं। फिलहाल हम पहुंच गए हैं कमलापुर हत्ती कैंप, और ये है लेक साइड व्यू, काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पर मैं सोचा था कि अकेले आऊँगा, अकेले ही थोड़ा सा इस नज़ारे को फील करूँगा, बट कुछ टूरिस्ट फिर वो भी आ गए हैं, तो एज वेल भाई आएंगे, कोई वाली बात नहीं, बट अच्छा लग रहा है, चलो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे एक्चुअली एकदम पीस वाला ये चाहिए था, मतलब कोई नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ अकेला, बट वो हो नहीं पाया, और मैं जहाँ पे आके बैठा हूँ वो भी यहीं पे आए हैं, तो चलो ठीक है, इग्नोर करते हैं, जो चाहिए था वो पता नहीं है। और ये देखो लेक साइड व्यू काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है। मुझे लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा मुझे, बट टाइम उतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी आधे घंटे में यहाँ पर जो एलिफेंट है वो आ जाएंगे, जंगल सुनने लाते वक्त देर होता है, तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो एक टाइम का याद रखना कि 11 के पहले तो मत आना, 12-1 बजे तक आना। और जो यहाँ पे जो मछुआरे हैं तो वही बता रहे थे कि 12-1 बज जाते हैं, तो वो सही होगा, क्योंकि वो हमेशा देखते, रोज़ देखते मच्छी पकड़ने के लिए जो आते हैं, तो 12 से 1 के बीच में आ जाना, उसके पहले मत आना और उसके बाद भी मत आना, मतलब 12 बजे तक तो भी पहुंच जाना, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। और बाकी यहाँ का जो व्यू है ना काफ़ी सही है, और वहाँ पर ये एलिफेंट के लिए खाना बन रहा है, तो जब जंगल से आते हैं तो यहाँ पर खाना वगैरह खिलाया जाता है, और उसके बाद फिर से उनको जंगल में लेके जाते हैं, तो वहाँ पर खाना बना रहे हैं, वो भी दिखाऊँगा। और यहाँ का लेक साइड का व्यू देखो यार, आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, काफ़ी सही है। देखो हम आए हैं इधर से, ये रास्ते से यहाँ पर आया हूँ मैं, और ये मेरी गाड़ी है, यहाँ पर रखा हूँ, और यहाँ पर देखो इधर ये साइड में पहाड़ी, पानी पहाड़ पानी पहाड़ 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 पानी,
तो आप इमेजिन कीजिए कितना सही लग रहा होगा। और वहाँ पर देखिए एलिफेंट आ चुका है, शायद उतनी दूर से दिखेगा नहीं, तो अभी एक आया है और थोड़ा सा वेट करते हैं और आएंगे शायद। और काफ़ी ज़्यादा सही व्यू मिलते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कमल फूल की क्या हालत है। तो ये देखो, ये देखो कमल फूल की इतनी हालत की यहाँ पर पूरा मतलब एकदम गीला भी है नहीं भी, तो यहाँ पर आपको मैं कमल फूल भी तोड़ सकता हूँ और मैं तोड़ूंगा भी। तो के पास में खड़ा हूँ मैं और यहाँ पर दब रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कमल फूल देखो कितने अच्छे अच्छे पूरे यहाँ पे गिरे हैं। एक उठाता हूँ, ओके, एक ऐसे मुझे एक की ज़रूरत है और एक चाहिए मुझे। और ओके, दो मैंने ले लिया हूँ कमल के फूल। और इसके पास में सच में यहाँ पे भी कुछ ये भी ले लेता हूँ, तो ये भी खा सकते हैं अपन। मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, ये अपन खा भी सकते हैं। मैं दो कमल तोड़े हैं कमल के फूल और उतना मेहनत नहीं लगा, तो इसको रख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर तो अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पर हाथियों को लाया गया, एलिफेंट को लाया गया है, मतलब अभी एक ही आया है तो अभी शायद रास्ते में होंगे बाकी। तो जो एक है उसको देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे बाकी आने का, पूछ लेता हूँ कि बाकी आएंगे कि नहीं आएंगे या क्या कुछ सीन है, क्योंकि इसके पहले आए थे मैं तो 7-8 थे, अभी सिर्फ एक है। तो अभी देखने जा रहा हूँ, ये है एलिफेंट, पहला एलिफेंट देखा हमने। आई एम एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। और इस एलिफेंट को नागबीरा से लाए, बोलते रिटायर्ड हो गया, मैं ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं करना चाहता कि फल तो उसके पैर के नीचे मैं ना कुचल जाऊँ, तो ऐसे नॉर्मली बाहर से दिखाता हूँ और पूछता हूँ उनसे कि वो देखो उधर से आ रहे एलिफेंट, वो साइड से आ रहे, आपको दिख रहा नहीं होगा, वो साइड से आ रहे। तो पास में नहीं जाती पापा, हाथ लगा सकता हूँ ना? क्या बड़ा जाइंट को हाथ लगाने में डर ही लगता है। देख भाई नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा कुछ काफी ज्यादा एपिक वाला। हॉस्पिटल पास नहीं है ना? उसको भी तो इंसानों का फर्क है, उसको भी ऐसा नहीं है, इंसानों का फर्क है उसको। लेकिन ये कितने साल की है भैया? ये 90 साल भाई साहब, इसको छूट के लेडीज है ना, पीछे साइड में भी है कुछ एलिफेंट है, तो उनको आधा एक घंटा लगेगा। तो वो आने के बाद फिर हम फिर से वीडियो निकालेंगे। तो अभी थोड़ा भूख वगैरह लग रही है, ये है रूपा जी, थैंक यू आपकी, हाथ वगैरह लगाना दे रही है, क्या बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने बाइक के पास, क्योंकि अभी और आधा घंटा लगेगा बोल रहा है, आधा घंटा लगेगा, क्योंकि जो बाकी के एलिफेंट है इस साइड में है कुछ एलिफेंट, तो आधे घंटा उनको लगेगा आने के लिए, तो उसके बाद फिर आएंगे हम आधे घंटे बाद। और तो ये है कुछ मेरा कैंपिंग का सामान जो हमेशा मेरे साथ रहता है, और इससे ही सब कुछ होता है, काफ़ी सही चीज़ मैं हमेशा मेरे साथ रखता हूँ। तो भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा, तो है मेरे पास कुछ बनाता हूँ, मतलब यही मैगी होगा मेरे पास, तो मैगी बनाऊँगा और चलो फिर उसके बाद जाते उधर फटाफट मैगी बनाते।
मैगी एक नंबर बनी है भाई साहब। इतना टेस्टी मैगी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया, इतना टेस्टी बना है। तो यहाँ पर ये चार हथियार अभी ये सामने देख रहे हो आप, ये एलिफेंट है। तो यहाँ पे इनका खाना वाना हुआ और यहाँ से उनको उतार दिया। तो ये यहाँ से उतर के इधर से जंगल में चले जाएंगे। और ये जो साइकिल है हर दिन होता है, मतलब खाना देने के बाद, खाना देने के बाद इनको जंगल में मतलब यहाँ से पानी से उतार देते और वहाँ से जंगल में चले जाएंगे और वो उनको फिर से कल ढूंढ के लाया जाएगा। मतलब ये हर दिन का साइकिल है, जंगल से ढूंढ के लाना, खाना खिलाना, यहाँ से उतार देना, वहाँ से वो चले जाएंगे और जाके मतलब एक जगह होगा जहाँ पर फिक्स जगह होगी, वहाँ पे मिलते होंगे, उस एरिया में मिलते होंगे, तो वो लोग वो फिर से ढूंढ के लाएंगे। बट मैं मैगी में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं जो खाना खिला रहे थे वहाँ पे जा नहीं पाया। बट जितना मुझे सेटिस्फाइड होना था मैं हो गया हूँ, मेरे हिसाब से मुझे जो चाहिए था मिल गया। और जब उतर रहे थे मैं तब जाके वीडियो ऑन नहीं कर पाया, बट जितना देखना था मैंने देख लिया, जितना इन्जॉय मुझे करना था मैंने कर लिया। तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक वगैरह कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए, पीस आउट।